हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान पोलिया और खड्ड में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। उन्होंने बीटन में लगभग 4 करोड़ की लागत से बनने वाले एक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला भी रखी। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने संत भूरीवाला आश्रम में नतमस्तक होकर संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। राजीव सैजल ने बीटन में स्वास्थ्य केंद्र का श्रेय भी संत भूरीवालों को दिया और उनके द्वारा करवाए जा रहे सामाजिक कार्यों का जिक्र करते हुए उनके द्वारा समाज के उत्थान की बात कही। शिलान्यास के हेतु जो है मैं यहाँ आया हूँ। बहुत पूजनीय स्वामी हरिचेतनानंद पुरी जी, इनका भूरीवाला जी, इनका जो है विशेष आप कह लीजिए आदेश भी था सरकार के लिए, क्योंकि इनकी संस्था भी और ये जो धार्मिक संस्थान है ये लोक कल्याण के लिए काम करता है। बहुत से लोक कल्याण के कार्य जो हैं इस संस्थान के माध्यम से चले हुए हैं। मैं पीजीआई जाता हूँ तो देखता हूँ इनकी गाड़ी जो है वो देसी घी का फ्री लंगर जो है सब वहाँ पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको वहाँ पर वितरित कर रहे होते हैं, और कई बार स्वामी जी स्वयं अपने हाथों से जा करके जो है ये लंगर वितरित करते हैं। इन्हीं के आदेश से और इन्हीं के आशीर्वाद से बहुत लंबे समय से जो इस क्षेत्र की मांग थी और स्वामी जी का निर्देश था, इनका भी एक मन में सपना था कि यहाँ की जो गरीब जनता है उसको स्वास्थ्य सुविधा उनके घर द्वार पर मुहैया हो, तो आज एक बड़े लंबे समय के बाद यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में चल रही वैक्सीनेशन अभियान पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार गंभीरता से इस पर काम कर रही है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश में 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, ऐसी उन्होंने संभावना भी व्यक्त की। हिमाचल प्रदेश में संपन्न हो सकता है। देखिए हिमाचल प्रदेश जो है वो वैक्सीनेशन की दृष्टि से पूरे देश भर में सभी राज्यों में नंबर वन है। तकरीबन 50 लाख से ऊपर जो है हम क्रॉस कर गए हैं टोटल वैक्सीनेशन, फर्स्ट और सेकेंड डोज जो कुल मिलाकर के लगाया गया है, और बहुत अच्छे ढंग से वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश में चली हुई है। मुझे लगता है ऐसा, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य होगा जो पूरे देश में सबसे पहले अपनी 100% जनसंख्या को वैक्सीनेट कर देगा। सर एक उपलब्धि थी यहाँ की, एक आयुर्वेदिक जो स्टाफ है उसमें से एक डॉक्टर को हालांकि कोरोना वायरस के तौर पर निजी क्षेत्र में भी सम्मानित किया गया, तो क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि राजीव सैजल ने हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा के मॉनसून सत्र को अच्छा बताते हुए इस दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने का दावा किया। इसके साथ ही सभी विधायकों को उचित मार्गदर्शन मिलने की बात कही। हालांकि उन्होंने मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे को दुर्भाग्यपूर्ण और अशोभनीय भी बताया। तो कैसा रहा मॉनसून सत्र, थोड़ा विपक्ष ने हंगामा जरूर किया है? ये तो हमेशा ही होता है, हंगामा भी इसका एक हिस्सा है, और विपक्ष को जो है वो कई बार बिना कारण से विरोध करना विपक्ष का, और कई बार ऐसी अशोभनीय बातें हो जाती हैं जो कि मुझे लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसके लिए स्थान भी नहीं है, और जिससे क्योंकि हमें देख करके लोग जो हैं राजनीति के बारे में और राजनीतिज्ञों के बारे में मत बनाते हैं। जैसा हमारा आचरण होगा तो लोगों की धारणा हमारे बारे में वैसी ही होगी। तो कुछ अशोभनीय बातें हुई हैं जिसका मुझे दुख है, और कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी जो है इस सत्र के अंदर चर्चा हुई है। लोक कल्याण के अनेक कामों से संबंधित चर्चाएं भी जो हैं वो हुई हैं। माननीय विधायक जो हैं क्या क्या करना आवश्यक है, सरकार का ध्यान जो है विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से वो आकर्षित करते हैं, और फिर जिसके ऊपर सरकार चिंतन भी करती है, चर्चा भी करती है और जवाब भी देती है। तो ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषय भी इस उसमें आए हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के विधानसभा का सत्र जो है बहुत अच्छा रहा है। अंतिम स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने विपक्ष द्वारा जयराम सरकार के अभी तक के कार्यकाल पर लगाए जाने वाले चार्जशीट को बेबुनियादी और खोखला होने का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने कैग द्वारा जारी पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा 1 करोड़ से अधिक के पशु चारे के गमन की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले का अध्ययन करने के बाद ही कुछ कहने की बात कही। चार्जशीट जो है हमेशा तैयार होती है, और ये चार्जशीट जो है एक खोखली चार्जशीट होगी, इसमें कुछ नहीं होगा। वास्तविकता में 3.5 वर्ष सरकार के गौरवशाली कार्यकाल जो है वो सरकार का रहा है। अनेक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश जो है विकास की दृष्टि से आगे बढ़ा है, और हमारे सामान्य मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के, कोई क्षेत्र का भेदभाव नहीं, कोई जाति का भेदभाव नहीं, कोई वर्ग का भेदभाव नहीं, ऊपर और नीचे का भेदभाव नहीं, निचले मैदानी इलाकों का, पहाड़ी इलाकों का कोई भेदभाव नहीं,
समान रूप से पूरे प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का उन्होंने कार्य जो है इन 3.5 वर्षों में किया है, और अभी 1 वर्ष सरकार का कार्यकाल जो है, 1.5 वर्ष सरकार का कार्यकाल जो है वो बाकी है। इसमें भी इसी स्पिरिट के साथ, इसी भावना के साथ और इसी गति के साथ जो है विकास का कार्य जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। सर, अभी कैग की जो रिपोर्ट आई है उसमें चारा घोटाला जो अधिकारियों ने जो पैसा खाया उस पर क्या किया? मैंने भी अभी समाचार के माध्यम से जो है मैंने इसके बारे में जाना है। अभी मैं थोड़ा इसमें गहराई में मैं नहीं गया हूँ, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, क्योंकि आते हुए ट्रैवल करते हुए मैंने ये खबर देखी है, तो इसको गहराई से अध्ययन के बाद ही मैं इसके विषय में कुछ कह पाऊँगा। धन्यवाद।